स्पीकर के चुनाव के बाद लोकसभा में इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने 1975 में कांग्रेस सरकार में लगी इमरजेंसी की कड़ी निंदा की। सदन में इमरजेंसी के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया और इस दौरान विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। मौन के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए। हालांकि एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा था लेकिन ध्वनि मत से ओम बिरला की जीत की घोषणा की गई। ओम बिरला की जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी, साथ ही विपक्ष से राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जीत के बाद ओम बिरला को पीएम मोदी स्पीकर की चेयर तक लेकर गए। इस दौरान राहुल गांधी भी साथ में दिखाई दिए। सदन में राहुल गांधी पीएम मोदी से भी हाथ मिलाते नजर आए। देख सकते हैं ये तस्वीर, संसद में आज की बड़ी तस्वीर है। ये दूसरी बार स्पीकर बने हैं ओम बिरला और उन्हें उनकी चेयर तक छोड़ा है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आखिरकार ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर दूसरी बार चुन लिए गए। कल से विपक्ष ने अपने तेवर कड़े किए हुए थे। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष को लेकर अपने भी उम्मीदवार उतारे थे। आज आपको बता दूं कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का अनुमोदन किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष ने अपने उम्मीदवार उतारे जरूर थे लेकिन ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली।